देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मतः मा शुचः संपदं देवीं अभिजातोऽसि पांडव। करें जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। श्री गीता जी के 18 अध्यायों में 16 अध्याय अत्यंत विलक्षण है। नाम ही है देवासुर संपद विभाग योग। जहाँ एक ओर देवी संपदा क्या होती है उसके 26 लक्षण पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बताए, वहीं साथ साथ आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी संपदा जो कहीं ना कहीं पतन में गिराने वाली होती है उसका भी विस्तार किया। मनुष्य जीवन मिला है, विवेक साथ मिला है, विचार की क्षमता मिली है, उसका उपयोग करके निर्णय करना ही होगा कि हमें जीवन के उत्थान की ओर आगे बढ़ना है या जीवन को पतन में ले जाना है। सीढ़ी एक ही है, ऊपर ले जाने का भी काम करती है छत तक में, नीचे लाने का काम भी करती है, और अगर संभल कर नहीं चले तो निश्चित है गिरा करके कुछ चोटिल घायल करने का काम भी सीढ़ी करती है। सीढ़ी वही स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी मानसकार ने कहा, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देने। तो मनुष्य जीवन भी उस सीढ़ी की तरह है जिसमें देवी संपदा का आश्रय लेकर के हम जीवन के उत्थान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो कहीं आसुरी संपदा ने प्रवेश कर लिया तो निश्चित है कि जैसे सीढ़ी नीचे गिरा देती है इस जीवन के माध्यम से पतन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, और पतन भी इतना गहरा कि फिर उत्थान की सोचना भी कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान संकेत करते हैं, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः मा शुचः संपदं देवीं अभिजातोऽसि पांडव। अर्जुन तू शोक न कर, तू तो देवी संपदा में ही उत्पन्न हुआ है। तो कौरव और पांडव दोनों की स्थितियां देखें। कौरवों का जन्म किस स्थिति में हुआ, धृतराष्ट्र की सोच क्या थी पहले, और फिर गांधारी भी जिस समय पता चलता है कि कुंती के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, युधिष्ठिर का जन्म हुआ था, तो गांधारी में एकदम आसुरी वृत्तियों का आधिपत्य हो जाता है। क्रोधा पारुष्या, क्रोध और ऐसा घमंड, ये सब कहीं ना कहीं दम्भो दर्पो अभिमानश्चय क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुर। एकदम क्रोध का आवेश, और क्रोध आवेश में ईर्ष्या द्वेष साथ मिलकर के कि कुंती के पुत्र क्यों हो गया, यही तो आसुरी स्थिति है। और जैसे ही अपने उदर पर प्रहार किया हाथ से पिंड बाहर। कहीं ना कहीं आगे की कथा बताती है महर्षि व्यास का आगमन 100 भाग, लेकिन कुंती की परंपरा गांधारी की स्थिति वो वहाँ साथ रही, और कहीं ना कहीं वो सारी वृत्तियाँ साथ आ गई। यहाँ अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत कर पार्थ, तेरा तो जन्म देवी संपदा में हुआ है। कुंती का जीवन देखें, पांडु का जीवन देखें, और विशेष रूप से कुंती उस समय भी देव ध्यान कर रही हैं। वैसे भी कुंती के जीवन को देखेंगे, संयम, सादगी, संतोष, सहनशीलता, सद्भावना, उसकी साक्षात प्रतीक है कुंती। लेकिन जब जन्म हुआ तब कुंती ध्यान कर रही थी, देव ध्यान, और देव ध्यान का करते करते जन्म पांडवों का, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का।
तो यह कहना कि तेरा जन्म पार्थ दैवी संपदा में हुआ है, उस अर्थ में भी ठीक है, लेकिन सत्य ये भी तो है ना कि गीता केवल उस अर्जुन के लिए नहीं थी। आज हम सब अर्जुन हैं और भगवद गीता का संदेश संकेत हम सब के लिए है। हम सब ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं मूल तो हमारा भी दैवीय है ना, अंश तो हम भी दैवी संपदा के ही हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो निश्चित है दैवी प्रकृति हमारे साथ है। हाँ, संसार में आकर माया के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं हमारा वो जो मूल का भाव होता है वो लुप्त सा होने लगता है, लुप्त सा हो जाता है। जैसे मानसकार ने ये कहा कि वर्षा का जल अपने आप में तो साफ होता है, लेकिन भूमि परत भा डावर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। जैसे पानी जमीन पर लगकर मिट्टी का प्रभाव अपने में लेकर गंदला हो जाता है, वैसे गंदला मिट्टियाला होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जीव प्रकृति से तो, मूल से तो माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातो सि पांडव, मूल से तो जीव उस परमात्मा का अंश है, उस दैवीय विरासत को लेकर के इस धरा पर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं संसार की वृत्तियों में उलझ कर, संसार की माया में उलझ करके कहीं ना कहीं जीव अपने ऊपर आसुरी प्रभाव बना लेता है। भगवान यहाँ प्रेरित भी करते हैं, भगवान यहाँ चेताते भी हैं कि दैवी संपदा में रहोगे मोक्ष की दिशा में आगे ले जाएगी ये संपदा, और मोक्ष भी जीवन काल में विकारों से मुक्ति, दूषित वृत्तियों से मुक्ति, तनाव दबाव दुर्भाव से मुक्ति की ओर दैवी संपद विमोक्षाए, जीवन काल में भी और आगे भी यदि दैवी संपदा है उलझने नहीं देगी, कहीं इस संसार में गिरने नहीं देगी, उत्थान का ही माध्यम बनेगी दैवी संपदा। दैवी संपद विमोक्षाए निबंधाए आसुरी मता, बंधन का कारण आसुरी संपदा है जो बार बार जीव को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की स्थिति में लाती है। आओ बड़े आसुरी संपदा से दैवी संपदा की ओर, और दैवी संपदा से अपने मूल ईश्वरीय तत्व परमात्म तत्व की ओर। ओम शांति। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।